नमस्कार, स्वागत है आई ऑफ सिंधी के एक और धमाकेदार लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं, फ्यूचर ट्रेडर हैं, बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि हम समझने वाले हैं स्टॉक मार्केट के ट्रेंड को कैसे पकड़े। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इक्विटी ट्रेडिंग हो, पोजिशनल ट्रेडिंग हो, इंट्राडे हो, कोई भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए ट्रेंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं आप लोगों को कि कैसे हम ट्रेंड को पकड़े लाइव मार्केट में, उसकी क्या पहचान है, क्या इंडिकेशन है। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो फिर आप जब नेक्स्ट डे मार्केट में ट्रेडिंग करने जाओगे या सीखने जाओगे तो आपको मार्केट का ट्रेंड पहले पता होगा। ठीक है, तो ट्रेंड कैसे पहचानेंगे, इसको जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि ट्रेंड कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, सबसे पहला मैं आपको बता दूं, आप लोग जानते होंगे फिर भी जान लीजिए, पहला हमारा होता है बुलिश। ठीक है, बुलिश मार्केट होता है, यानी कि तेजी का, तेजी की मार्केट। दूसरा होता है हमारा बेरिश। ठीक है, बेरिश यानी कि मंदी का मार्केट। ठीक है, और तीसरा होता है हमारा साइडवेज, साइडवेज। ठीक है, साइडवेज ट्रेंड, इसको कहते हैं मिला जुला मार्केट, मिला जुला मार्केट। अब देखिए, ये तीन तरह का मार्केट है। तो यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जब भी हमारा तीसरा ट्रेंड हो, साइडवेज ट्रेंड हो, तो इसमें हम ऑप्शन बायर जो है ना, ऑप्शंस को बाय करते हैं या फ्यूचर को बाय करते हैं, तो हमको क्या करना है, साइडवेज मार्केट में एज ए बायर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बच जाता है एक नंबर का बुलिश ट्रेंड, तेजी का, और दूसरा हो जाता है बेरिश यानी कि मंदी का ट्रेंड। हमें इसी दो ट्रेंड में ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, तीसरा जो ट्रेंड है साइडवेज में, एज ए ऑप्शन फ्यूचर बायर हमें कोई ट्रेड नहीं करनी है। क्लियर यहां तक? अब तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं फ्रेश, मेरे साथ फ्री में लर्निंग लाइव मार्केट सपोर्ट लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अपस्टॉक्स, एंजल वन एंड सैम को, तीनों में किसी में भी आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप हमारे साथ फ्री लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो जल्दी से डीमैट अकाउंट ओपन करके आप हमें स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अभी इस वीडियो में वापस आते हैं और समझते हैं कि बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, आखिर ये ट्रेंड है क्या और इसको कैसे पहचानेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दोस्तों, बुलिश ट्रेंड, ठीक है, हम बुलिश ट्रेंड के बारे में समझेंगे, बुलिश ट्रेंड क्या है और कैसे पहचानेंगे, और फिर ये कैसे पहचानेंगे कि बुलिश ट्रेंड का दौर खत्म हो गया, यानी कि तेजी खत्म और मंदी स्टार्ट अब होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट के ऊपर, देखिए कोई भी ट्रेडिंग पैटर्न हो, कोई भी ट्रेडर हो, वो चार्ट को देखता देखता है, तो चार्ट को समझना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन चेन और चार्ट, अगर दो आप समझ गए तो फिर आपके अलावा मार्केट को कोई नहीं जानता। ऑप्शन चेन को सीखना है तो आप हमारे ऑप्शन चेन स्पेशल प्ले लिस्ट को विजिट करके ऑप्शन चेन की बारीकियों को समझ सकते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा हमारे प्ले लिस्ट में। ओके, तो इस वीडियो के बाद आप वहां जाके जरूर देखिएगा। अभी देखिए, बुलिश ट्रेंड हमारा है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड में हम कैसे पहचानेंगे, ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। देखो, चार्ट का जो है, एक चार्ट हम ओपन करते हैं, 15 मिनट का इंट्राडे ट्रेडर है, तो अगर हम पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं वीकली एक्सपायरी के साथ, मंथली एक्सपायरी के साथ, तो हम वन डे के हिसाब से भी चलेंगे। ठीक है, वन डे के टाइम और 15 मिनट के टाइम के हिसाब से हम चलेंगे एज ए ऑप्शन बायर। ओके, अब देखो चार्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हर 15 मिनट का जो कैंडल है या फिर वन डे का जो कैंडल है पोजिशनल ट्रेडर, तो हम क्या करेंगे, जब बुलिश ट्रेंड रहता है तो मार्केट में आपको किस तरह से इंडिकेशन देता है वो समझिए। सपोज करिए कि ये मार्केट यहां से स्टार्ट है, ये कैंडल है, ठीक है, ठीक है, ये कैंडल है, पहला कैंडल बना। अब देखो, अगला जब कैंडल बना ना, तो इसका जो हाई है इसके ऊपर हाई बना और इसका जो लो है इसके ऊपर लो बना। ठीक है, यानी कि यहां से हमें इंडिकेशन क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी हमारे पास ट्रेंड का कॉन्फिडेंस नहीं है कि ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। अब देखो, इसके ऊपर फिर से अगला कैंडल बनेगा, अब ये इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा, उसके अगला कैंडल देखोगे तो फिर इस तरह से बनेगा। अब इसमें आपको कुछ चीज नोटिस करने वाला है, इसका जो हायर है वो हायर हाई बन रहा है, ठीक है, और इसका जो लो है वो लोअर हाई बन रहा है। देखो, अब ये जो लो है इसके ऊपर का लो बना, यानी कि लोअर हाई है। अब इस ये जो कैंडल है इसका अगला कैंडल इसके ऊपर लो बनाया, यानी कि इस लो के ऊपर हाई बनाया है लो। अब ये जो है इसके हाई बनाया, ऊपर में इसी तरह देखोगे हायर हाई, इस नेक्स्ट कैंडल इसके हाई, हाई को बीट करके फिर नेक्स्ट कैंडल इस हाई को बीट करके क्लोजिंग दिया है, नेक्स्ट कैंडल इस हाई को। तो ये हमारा जो ट्रेंड है ये क्या है, हमारा बुलिश ट्रेंड,
ये हमें इंडिकेशन दे रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर इस तरह के कैंडल्स बन रहे हैं तो वो हमारा बुलिश ट्रेंड का सिग्नल है एकदम से जबरदस्त वाला। अब जैसे मान लो कि इस तरह से चलता जा रहा है, अब जैसे ही ये जो मान लो लो है, ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, इस लो के नीचे आकर आ गया, ठीक है, इस लो के नीचे आ गया, मान लो यहां से ऊपर गया था और यहां से नीचे आके इस लो के नीचे आके यहां पे क्लोजिंग दिया, तो हमें यहां पे इंडिकेशन क्या मिल रहा है कि अब तेजी का मार्केट रुक गया, बायर्स थक गए हैं, अब सेलर्स यहां पे हावी हो सकता है, तो अब यहां से हमारा बुलिश ट्रेंड रुकने का एक इंडिकेशन आ गया है। कभी कभी आप देखोगे कि इस तरह से इंडिकेशन देता है जो ट्रैप में फंसाने के लिए, और फिर देखोगे तो ऊपर चला जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो हमें बुलिश ट्रेंड पकड़ने के लिए कभी भी ध्यान देखना है कि जो उसका लो बन रहा है उसका अगला कैंडल उसके लो के ऊपर बनेगा, यानी कि लोअर हाई बनेगा, फिर लोअर हाई बनेगा, और हायर जो है वो हायर हाई बनता जाएगा, तो बुलिश ट्रेंड है। इसी के अपोजिट बेरिश ट्रेंड होता है, बेरिश ट्रेंड, ठीक है। अब बेरिश ट्रेंड में हमें क्या करना होता है, मार्केट में क्या पता करना होता है, मार्केट देखो यहां से आया नीचे, ठीक है, एक कैंडल बना, अब अगला कैंडल ये जो हाई है इसके नीचे यहां पे हाई बनाया, अब यहां से एक कैंडल बनाया और इसके नीचे जाके क्लोज दे दिया, यानी कि ये लो जो है इसके नीचे लोअर लो बना दिया और हायर जो है हायर लो बनाया, यानी कि जो हाई था प्रीवियस कैंडल का वो क्या था, ऊपर था, उसका अगला कैंडल उस हाई से नीचे आया और लो जो है पिछले कैंडल से और नीचे लो में लोअर लो क्लोज दे दिया। अब इसी तरह अगला कैंडल यहां पे बना कैसे, देखो इस तरह से, अब उसके अगला कैंडल कैसे बना, इस तरह से, उसका अगला कैंडल कैसे बना, इस तरह से। अब हमें देखना है तो ये क्या इंडिकेशन दे रहा है, ये दे रहा है हमारा बेरिस का, बेरिस कैसे, ये हाई है, उसके अगला कैंडल इस हाई को बीट करके यानी कि इस हायर लो बना, उसका अगला कैंडल हायर लो, अगला कैंडल हायर लो, हायर लो, इसका देखो लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, यानी कि हमेशा मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है, मंदी की तरफ है। अब जैसे ही यहां पर ये लो है और ये हाई है, अब अगला कैंडल यहां पे ऐसे बना, ठीक है, नीचे गया था क्लोज ऊपर रिकवर करके इस हाई को बीट करके यहां पे क्लोजिंग दे दिया, तो यहां पे इंडिकेशन हो गया कि नहीं अब बेरिश ट्रेंड रुक गया, सेलर थक गए हैं, बायर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब उस तरह से देखोगे तो साइडवेज मार्केट में सिंपल देखोगे कि एक हायर पॉइंट और एक लोअर पॉइंट, इसी बीच में चलता रहेगा मार्केट, इसी बीच में चलता रहेगा, ना ऊपर जाने की कोशिश करेगा ना नीचे जाएगा, बस इसी बीच में चलता रहेगा। तो हमें एज ए बायर साइडवेज में कभी ट्रेडिंग नहीं करनी है। जब बुलिश ट्रेंड हो तो हमें मार्केट में लॉन्ग बना के चलना चाहिए, लॉन्ग यानी कि बाय करके चलना चाहिए, और बेरिश ट्रेंड हो तो हमें सेल करके चलना चाहिए, यानी कि शॉर्ट करके चलना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल स्ट्रेटजी आपको रखना है लाइव मार्केट में, 5 मिनट, 15 मिनट, वन डे के हिसाब से आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जो पोजिशनल है, इंट्राडे है, स्कैल्पिंग है, उसके हिसाब से आप मार्केट में ट्रेंड को पता कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ट्रेंड कैसे समझे मार्केट का समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर आप हमारे साथ लाइव मार्केट में अपडेट्स ले सकते हैं, और आप अगर फ्री में लर्निंग एडवाइस चाहते हैं तो सैमको, अपस्टॉक्स या एंजल किसी में भी डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमें टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड करके फ्री में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा एकदम आसान शब्दों में। ओके, अभी दीजिए अपने भाई को इजाजत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।